दिल्ली पंचायती राज के चुनाव होने के बाद राजनीतिक लोग अब बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। जहां पुराने सरपंचों के द्वारा कराए गए कार्य और उनके विकास कार्यों में कमी निकाली जाने लगी है, वहीं पुराने सरपंच नए सरपंचों का भी विरोध शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुल्लू में, जहां से पहुंचे ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच के ऊपर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन से वह निकलते थे उस जमीन को पूर्व सरपंच अपने नाम करा लिया है और अब रास्ता जोत कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कहा कि स्थानीय निवासी केदारनाथ, गोकर्ण प्रसाद, अशोक कुमार, संतोष कुमार, मधुसूदन प्रसाद पाठक, राम प्रकाश पाठक, राम विलास, राम लखन पाठक के द्वारा पटवारी से साठ गांठ कर रास्ता बंद किया जा रहा है। दो लोग मारने को भी धमकी दी है, पिस्तौल से मार देंगे। रमा पाठक को लोगों ने वोट नहीं दिया तो बोलते थे रास्ता बंद कर दिया। वोट दिए कि नहीं दिए, वो हार गए। और मैं आर्मी से आए से हैं। हम लोगों को मजदूरी करते हैं, हम लोगों को रास्ता नहीं है, हम लोग बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएं। और ये हमारे गांव में निर्मल पंचायत बनाई गई, वह पार तालाब हम लोगों को जोत लिया गली, हमको आम रास्ता मांगते हैं, आम रास्ता नहीं देते हैं। हम लोग परेशान हैं तो हम लोग मर जाएं अंदर है। हमारे लिए पानी को व्यवस्था ना, नाली का व्यवस्था है ना, रोड का व्यवस्था है। हम लोग मजदूर हैं, क्या करें है। और आज जोत के और कहे इधर आओगे तो गोली मार देंगे। कौन ये बोल रहा था? जिसकी गली है ट्रैक्टर से जोते हैं। क्या नाम है उनका? मकसूदन पाठक। कौन सा गांव है? कुल्लू है। मैं ग्राम पंचायत कुल्लू से आया हूं, बनकुइया रोड में जो पड़ता है। हमारे यहां का मामला है, हरिजन बस्ती है, 200 लोगों की कम से कम। तो वहां इस साल के चुनाव में जो है तो रमा पाठक प्रत्याशी थी, उनकी जमीन है, बगल से ढर्रा है। तो आज क्या हुआ कि अचानक वो सुबह ट्रैक्टर लेके आते हैं और रास्ते को खेत बना लिए और बस्ती वाले लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। और महिलाएं गई, कुछ उनको धक्का भी दिए उन्होंने। आज जान से मारने की धमकी दी बहुत सारे लोगों को। ये रास्ता बहुत पुराना है, पहले खसरे में भी दर्ज है, 100 साल से पुराना रास्ता है और वो अतिक्रमण कर रहे हैं चुनावी रंजिश के कारण। तो हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास मिलने आए थे, क्योंकि अभी साहब नहीं है तो तहसीलदार साहब को हमने दे दिया है और कल हमने समय लिया है कलेक्टर साहब से मिलने का। और उसके भूम स्वामी मकसूदन पाठक जी हैं, उनके द्वारा ही आज ये कृत्य किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसमें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और हम लोगों के समस्या का निराकरण करें, नहीं तो अगर किसी प्रकार की भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि इतने सारे बस्ती वाले लोग हैं, अभी आप मिलिए सबसे, बहुत समस्या हो रही है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, सबको रोक दिया गया है और मारने की धमकी देते हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? लोकतंत्र के कोई नहीं, चुनाव में अगर कोई हार जाता है तो किसी को मार डालेगा, काट डालेगा, बंदूक दिखाएगा, ये सही नहीं है। वो बोल रहे हैं आर्मी में है हमारा बच्चा, आर्मी में हमारे पास रिवाल्वर है, हम गोली मार देंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपका कहाँ से आया है ये ग्रामीण लेके? हमारा नाम विष्णु प्रसाद द्विवेदी, मैं कुल्लू से, ग्राम पंचायत कुल्लू से आया हूँ, सरपंच हूँ। और मेरे यहाँ रास्ता ये हरिजन बस्ती तरफ जाती है, वहाँ मकसूदन पाठक जी ने जोत के उसको बराबर कर दिए, बोल रहे हैं कि यहाँ से रास्ता बंद है, नहीं जाने देंगे। इसकी शिकायत आप तहसीलदार साहब? ये इसकी शिकायत मैं तहसीलदार साहब से आज शिकायत करने के लिए आया हूँ। कहाँ का मामला है ये? कुल्लू, कुल्लू ग्राम पंचायत कुल्लू है, ब्लाक रीवा। क्या बोल रहा है?
ये ग्राम कुल्लू सर्किल अब्र बनकोइया तहसील हुजूर से कुछ ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मकसूदन पाठक ये जो पूर्व में रास्ता वहाँ प्रचलित था उस रास्ते को उनके द्वारा बंद किया जा रहा है, जोत बोल लिया गया है। उसी के संबंध में यहाँ पर एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर साहब के नाम से लेकर के आए हैं। यह आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और तहसीलदार बनकोइया की तरफ इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको लेकर के अग्रिम कार्यवाही इसमें की जाएगी।